दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर, अगले 3 दिनों में 3 साल का एजेंडा तैयार करेगी मोदी सरकार। अगले हफ्ते नए मंत्रिपरिषद की होगी बड़ी बैठक। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब जुटने वाली है। खबर है कि अगले हफ्ते नए मंत्रिपरिषद की 3 दिवसीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ही सरकार के अगले 3 सालों का एजेंडा तय किया जाएगा। बीते महीने ही पीएम मोदी की टीम में कई नए चेहरों को एंट्री मिली है। स्वास्थ्य शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी बदली गई है। मंत्रियों की नई टीम अगले सप्ताह से 3 दिवसीय बैठक करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम 6 बजे से सदन में शुरू होने जा रही इस हाई लेवल बैठक में अगले 3 सालों पर चर्चा की जानी है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सभी मंत्रालयों के कामों की समीक्षा की जाएगी और लक्ष्य तय किए जाएंगे। इसके अलावा नए मंत्रियों को उनके विभागों और मंत्रालय के संबंध में जानकारी दी जाएगी और उनसे की जा रही अपेक्षाएं भी बताई जाएंगी। आपको बता दें कि फिलहाल ये बैठक बहुत बड़ी होगी, जिसमें कि आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी को हराना है मिशन। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर आज तक ने एक महाबैठक का आयोजन किया, जिसमें कई नेता शामिल हुए। इसके सेशन जाट खड़ी करेगा खाट में कई नेता शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी शिरकत की और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कंपनियां चला रही है। पंचायत आज तक कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अभी बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार होती तो किसानों से बात करती, लेकिन ये मोदी सरकार है जिसे कंपनियां चलाती हैं, जो किसी से बात नहीं करती। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार कितना भी टॉर्चर कर ले और कितना भी बदनाम कर ले, सरकार को कृषि कानून रद्द करने ही पड़ेंगे। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, किसान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। आपका क्या मानना है? क्या कृषि कानूनों में बदलाव होना चाहिए या कृषि कानूनों को जड़ से खत्म करना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, आज जेपी नड्डा की बैठक में लगेगी मुहर। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दी। इसी कड़ी में बीजेपी नेताओं की यूपी दौरे भी शुरू हो गए। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार के फैसले को लेकर आज अहम दिन है। जेपी नड्डा के साथ आज की बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी कि अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत के नतीजों को हम प्रजातांत्रिक तरीके से देखें तो यह पहला चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमें देखने को मिलता है। यहां का चुनाव आप जीत कर आए हैं, आप सभी को मेरी और पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने कहा कि एक समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च जाते हैं, 15 पैसे ही नीचे तक पहुंच पाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो वो पूरा का पूरा नीचे तक पहुंचता है। हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बात को समझकर उन्हें दृष्टि देने वाले हैं। लीडर को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे लोगों की समस्याओं को समझकर एजेंडा सेट करना चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले की सरकारों में यूरिया लेने के लिए किसानों को लाठी खानी पड़ती थी। मोदी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया किसानों को देकर यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग रोक दी। इन विषयों की चर्चा किसानों के बीच में होनी चाहिए। पहले की सरकारें कहती थीं कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। कुछ किसानों का एक बार कर्जा माफ करके फिर किसानों की सुध नहीं ली जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए देते हैं। उत्तर प्रदेश को सौभाग्य योजना के तहत करीब 80 लाख घरों को बिजली मिली है और पूरे देश में 2.62 करोड़ घरों को बिजली मिली है। आयुष्मान भारत योजना के उत्तर प्रदेश में कुल 2.54 करोड़ लाभार्थी हैं। इसमें से 1.83 करोड़ लोगों ने इसका सीधा सीधा लाभ उठा लिया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने एक तरीके से यूपी में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मात देने के लिए राज ठाकरे के साथ आएगी बीजेपी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राव
शेखावत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार एक साथ दिखाई दे रहे थे, तो वहीं मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे चुपके चुपके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2019 में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन से बीजेपी के खिलाफ थी, अब वही शिवसेना के खिलाफ बीजेपी के साथ आती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद भी उद्धव ठाकरे ये सफाई देते रहे कि बीजेपी ने उनके साथ वादा खिलाफी की, इसलिए उन्हें कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनानी पड़ी। सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस के साथ शिवसेना के रिश्ते कितने दिन चलेंगे, इस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। कांग्रेस शिवसेना के मजबूरी वाले गठबंधन पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान भी लोगों के लिए हैरान करने वाला है। उन्होंने ये कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी थी कि कांग्रेस अपने बलबूते पर आगे का चुनाव लड़ेगी। माना यह जा रहा था कि नाना पटोले राहुल गांधी के कहने पर यह सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राज ठाकरे को साथ में कैसे लिया जाए, लेकिन दोनों दलों को सियासी माहौल ने यह इशारा कर दिया है कि दोनों को साथ आना होगा अगर शिवसेना से लड़ाई लड़नी है। दरअसल बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल राज ठाकरे से मिले और उसके बाद बाहर निकलकर मीडिया को कहा कि जैसे दो हिंदू एक दूसरे से मिलने के बाद कहते हैं वैसे हम फिर मिलेंगे। आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा कि राज ठाकरे उत्तर भारतीय विरोधी नहीं है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि 2022 में होने वाले महानगर पालिकाओं के चुनाव में अगर पार्टी शिवसेना और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मत देगी नहीं देगी तो बेहद मुश्किल होगी। आपको बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे की पार्टी मन से और बीजेपी एक साथ आ सकती हैं। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले ऐसे अपनी ताकत का एहसास कराएगी कांग्रेस, मिशन 2022 के लिए बनाई बड़ी रणनीति। यह आपको बता दें कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ताकत का एहसास कराने की पूरी तैयारी कर रही है। कोरोना संक्रमण से हालात ज्यादा खराब नहीं हुए तो पार्टी सितंबर में प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। इसमें पूरे प्रदेश से कई लाख कार्यकर्ता जुटाने का मंसूबा है ताकि दूसरे दलों और मतदाताओं को ताकत दिखाई जा सके। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाला यह सम्मेलन विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत होगा। मिशन 2022 के लिहाज से कांग्रेस का यह सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक हमारी कोशिश है कि सम्मेलन में पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। सम्मेलन में प्रदेश के तमाम छोटे बड़े नेता भी शामिल होंगे, यही चुनाव रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी की अपनी ताकत दिखाने की तैयारी को गठबंधन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रदेश के कई समान विचारधारा वाले दल ये दलील देते रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है, ऐसे में समझौता करने से कोई फायदा नहीं है। वह अगर गठबंधन के लिए तैयार भी होते हैं तो समझौते में पार्टी को ज्यादा सीट देना नहीं चाहते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कह चुकी हैं कि भाजपा को हराने के लिए पार्टी को गठबंधन से इनकार नहीं है, पर परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेंगे। पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हम लखनऊ में अपनी ताकत का एहसास कराने में कामयाब रहे तो गठबंधन करने वाले दलों पर भी दबाव बढ़ेगा, इससे हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी को हराने की पूरी रणनीति तैयार की है। और बड़ी खबर, मिशन त्रिपुरा में जुटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के पांच पांडव तैयार कर रहे चुनावी मैदान। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की निगाहें त्रिपुरा पर टिकी हैं। वो राज्य जहां साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के राज को खत्म किया था, ममता बनर्जी ने यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है। इसे पांच पांडव का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इन सबको बारी बारी से लगातार त्रिपुरा का दौरा करने और वहां संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में खासा रिसर्च किया है और उन्हें उम्मीद है कि वो भी वहां पर अपनी जमीन तैयार कर सकती हैं। लिहाजा 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए अभी से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आईपैक टीम के साथ अगरतला के एक होटल में रोक दिया गया था। आपको बता दें कि हालांकि बाद में त्रिपुरा पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण उनके कमरों में रोका गया था। उसके बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया था कि आईपैक कर्मचारियों को हाउस अरेस्ट में रखा गया है क्योंकि भाजपा बंगाल में उनकी पार्टी की जीत से बेहद परेशान है। आपको बता दें कि फिलहाल बंगाल के बाद अब ममता बनर्जी त्रिपुरा को फतह करना चाहती हैं।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला, कहा किसानों की जमीन छीनने के लिए बनाए गए तीनों कृषि कानून। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिला दी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी में आज भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद सपा में शामिल हुई। इनके अलावा सूबे के कई इलाकों से चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और दूसरे पार्टियों के पदाधिकारियों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद सभी को सदस्यता दिलाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार होने के बाद भी सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। ऐसे कानून लाए गए हैं कि भविष्य में किसानों की जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी। भाजपा से जनता जानना चाहती है कि आज किसानों की आय का क्या हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी। भाजपा सरकार ने अमूल के नए प्लांट नहीं लगवाए जो पहले से लगे हैं। यहाँ पर वीयूपी के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, यहाँ दूध गुजरात से आ रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों की जमीन हड़प करने के लिए बनाए गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द ही समाधान हो, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।